मेरा भाइंदर आर्ट फेस्टिवल समारोह में या कार्यक्रम उपस्थित खास तुम्हाला तुम्हारा तास दो घंटे हो गए ना दो घंटे खूब हसाया ना आपको आपको मजा आया कि नहीं मजा आली फिर देखो दो घंटे आपको एक जगह बिठा सकता है और हंसा सकता है आपको आनंद दे सकता है वो तो हम सबसे बड़ा आदमी है ना इसलिए मैं कुमार विश्वास जी का मैं इस मेरा भैंधर में हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं आप सभी की ओर से कार्यक्रमाला उपस्थित राजेंद्र गावित खासदार आमदार गीता जैन गिलबर्ट मेंडोसा आमदार प्रकाश सुर्वे आमदार आपले पोलीस आयुक्त सदानंद दाते नरेंद्र मेहताजी दिलीप ढोले अशोक शिंगारे कलेक्टर परिषताई सरनाईक उर्वेश सरनाईक आणि व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर सगळ्यांची नावं घेत नाही उशीर बराच झाला आहे आणि या कार्यक्रमाचे आयोजक या मतदारसंघाचे लोकप्रिय आणि कार्यसम्राट आमदार प्रताप सरनाईक मी चार दिवसाच्या या फेस्टिवल कार्यक्रमाला मनापासून खूप खूप शुभेच्छा देतो आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो कुठलंही शहर फक्त इमारती कार्यालय रस्ते प्रकल्प एवढं झालं की सगळं संपलं असं होत नाही विकासाबरोबर एक सांस्कृतिक भूक भागवण्याची देखील आवश्यकता असते आज सगळ्या धकाधकीचं आयुष्य आहे आणि सुद्धा चार दिवस एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण इकडे उपस्थित झालात इतनी बडी संख्या आप आपलो क उपस्थित आहे पिछले चार दिन से ना चार दिन सभी आजकाल फास्ट आहे सबको अपना अपना काम करना आहे नौकरी करना है व्यापार करना है व्यवसाय करना है लेकिन थोड़े पल एक दो घंटे भी लोगों को थोड़ा माइंड के लिए शांति भी मन के लिए शांति भी आवश्यक है और कब मिलती है तो ऐसे फेस्टिवल के माध्यम से वो काम हो जाता है एक अपनी संस्कृति है ये परंपरा आगे बढ़ाने का काम ऐसे फेस्टिवल करते हैं वैसे देखा जाए तो प्रताप सरनाई को बहुत अच्छा अनुभव है अपना उपवन फेस्टिवल उपवन प... हाँ छब्बीस जनवरी को उपवन फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा तालाब है वहाँ पर और लाखों लोग वहाँ आ जाते लाखों लोग माला ही महित है सगैं स वेगवेगे कलाकार आपली कला पेश कर खूब मोटा प्रमाणा स्टॉल्स आता एक मोटा फेस्टिवल आर्ट फेस्टिवल ओपवनच्या नावाने त्या ठिकाणी प्रताप सरनाईक आयोजित करतात आणि म्हणून त्याचं रिप्लिका इकडे केली त्यांनी परत इकडे त्यामुळे जिकडे जिकडे त्यांच्या मतदारसंघामध्ये माणसं आहेत त्यांना तर हे सांस्कृतिक विरंगुळा तर द्यायलाच पाहिजे त्यामुळे कामं तर करतातच परंतु त्याचबरोबर के साथ याहा के लोगोको एक दो तीन घंटे जो हमारी संस्कृति हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कुमार आ जाए उन्होंने तो सब उनको तो पूरा ए टू जेड मालूम है मुझे लगता है और उन्होंने आपके साथ अभी हमारे साथ है पहले आपके साथ थे और ये अच्छी बात है कि वो भले आगे नहीं थे लेकिन पीछे से दिल्ली की सरकार बराबर ना बनाने में उनका हाथ था हाथ था और सब कुछ था हमारे बाला साहब को एक किसी ने पूछा था कुछ बात में दंगल के बारे में मुंबई का दंगा हुआ था आपकी अदालत में शायद क्या उसका आपका हाथ था क्या बोले हाथ भी था पैर भी था सब कुछ था हमारे इंदु हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे एक अलग एक व्यक्तिमत्व था और उन्हीं उन्हीं की सोच उन्हीं के विचार उन्हीं के भूमिका उनकी भूमिका लेकर हम लोगों ने सरकार बनाई है और मुझे खुशी भी है गर्व भी है आनंद भी है अभिमान भी है कली जो नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे जो है 700 किलोमीटर लंबाई वाला सबसे तेजी का तेज वेगवान दस जिलों को डायरेक्ट चौदह जिलों को इनडायरेक्ट जोड़ने वाला ट्वेंटी फोर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाला एक बहुत ही गेम चेंजर हिस्टोरिकल सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस का उद्घाटन इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के हम लोग ने हाथ से किया और इतना बड़ा प्रकल्प देखने के बाद बहुत खुश हो गए हो बोले इतना भी ऐसा भी हो सकता है मैंने कहा कि देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे मैं एक एम एस आर डी सी का मंत्री था एम एस आर डी सी विभाग साढ़े छः हजार करोड़ कर्जा था उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट मुझे दिया था उसमें साढ़े छः हजार करोड़ कर्जा था मैं बोला भैया ये तो ले लिया है मैंने कुछ लोग फोन कर रहे अरे भैया ये ले मत बदनाम हो जाओगे मैं बोला भाई लिया है दिया है तो ले लेते देखते आगे लेकिन देवेंद्र जी ने मुझे ये समृद्धि का काम सौंपा एक विश्वास जताया मैं भाग्यशाली हूँ मेरे कार्यकाल में शुरू हो गया और मुख्यमंत्री रहते हुए उसका लोकार्पण हुआ उद्घाटन हुआ ये बहुत बड़ी बात है लगन होनी चाहिए मेहनत करनी चाहिए और पूरा झोंक देना चाहिए उसमें तब जाके कई लोगों ने विरोध किया अभी देखो समृद्धि हाईवे का फायदा सब लोगों को होगा पूरे राज्य को होगा कई लोगों ने विरोध किया करवाया भी लेकिन मैं अपना बेचारा कार्यकर्ता बनकर काम करते गया सबको समझाया तो हो गया अभी अच्छी बात है कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत खुशी से हमें अपनी भावना भी उन्होंने व्यक्त की है अच्छा हमारी सरकार को मदद कर रहे हो हमारे केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं उनका भी पूरा सपोर्ट है एकदम पहले दिन से तो इसलिए डबल इंजन वाली ये सरकार काम कर रही है राज्य को आगे बढ़ाने का और इसलिए कुमार विश्वास जी चार पाँच महीने हो गए हमारी सरकार को लेकिन हर एक कैबिनेट में जो जो डिसीजन हम लोगों ने लिए हैं वो सब जनता के हित के डिसीजन है जनता के फायदे के डिसीजन है मैं सब यहाँ गिनाऊंगा नहीं लेकिन इसीलिए कम समय में यह सरकार लोगों की बन गई है सबको लगता है हमारी सरकार है यह मुख्यमंत्री हमारा है मैं आज भी कार्यकर्ता बन के काम कर रहा हूँ प्रताप जी मेरे सही सहयोगी है हम लोगों ने ये सब निर्णय ले लिया जो ज़रूरी था इस राज्य के लिए और हम लोग का भी काम कर रहे हैं। लोगों के हित के एक सर्व सामान्य आम लोगों का यह सरकार बन गया है और इसीलिए आज जो हम लोग यहाँ पर हजारों लाखों लोग आते हैं सरकार बनने के बाद हमारी संस्कृति जो है हमारी परंपरा है हमारे त्यौहार जो है बंद पड़े थे सब अगर हमारी सरकार नहीं बनती तो आप यहां स्टेज पे नहीं दिखते और इतनी पब्लिक भी नहीं है दिया पहले आते आते हम लोगों ने गोविंदा बना दिया सब नौजवान लोगों को खुशी हो गई उसके बाद गणपति का त्यौहार बड़े धूमधाम से हो गया हो गया ना सब निर्बंध हटा दिए हम लोगों ने सब पाबंदियां हटा दी बोले जैसा लगता वैसा त्यौहार मनाओ ये हमारी परंपरा ये गणपति बापा हमारा भगवान है जोर शोर से करो सब संकट दूर करने वाला वही है सब लोग आ गए बड़े जोर शोर से मनाया नवरात्रोत्सव आ गया बहुत जोर शोर से हो गया सब लोग रास्ते पे आ गए खरीदी होगी कोई होटल में गया कोई दुकान में गया इकोनॉमी भी जो अर्थव्यवस्था है ये भी अर्थव्यवस्था को भी बूस्टिंग का जरूरत है उसको भी बूस्ट मिलना आवश्यक है उसको भी आगे बढ़ना जरूरी है उसके बाद दिवाली आ गई दिवाली में बोले ज़ोर शोर से मनाओ खाली हम लोग जोर शोर से मनाओ मना बोला नहीं बोले कोविड में तकलीफ है लोगों को तो दिवाली को जो सामान लगता है ना रवा शक्कर तेल ये सब लगता है तो सरकार ने केवल सौ रुपया में ये चीज दिवाली वाली दे दी केवल सौ रुपया में ये सरकार किसकी है सरकार आम लोगों की है सामान्य लोगों की है पेट्रोल डीजल का भाव भी हम लोग ने कम करने का एक हिम्मत दिखाई कई ऐसे डिसीजन है पचहत्तर साल वाले सीनियर सिटीजन जो हमारे मतलब उनकी कृपा है आशीर्वाद है प्रेरणा है मिलती उनको एस में फ्री पास सब फ्री टिकट कोई टिकट विकेट नहीं दो करोड़ से ज़्यादा लोगों ने एस में ट्रेवल किया है प्रवास किया है दो करोड़ से ज़्यादा बताने की वजह यह है कि जो एस से जब अपनी दवाई करने को नहीं आते थे बोले जाने दो तो किधर पकड़े एस फिर टिकट निकाले ये करे अभी बैठते फ्री में जाते तालुका प्लेस पे वह दवाई करते वापस आ जाते कई देवदर्शन में जाते फायदा ही होता है खुश है वो लोग सब लोग हमारी सरकार हमारे राज्य की माता बहने उनके लिए भी हम लोग अच्छा कुछ कर रहे हैं अच्छा करेंगे विद्यार्थियों के करेंगे शिक्षक लोगों के लिए किसानों के लिए सब लोगों के लिए करेंगे और उसी के साथ ये ऐसे कार्यक्रम की भी आवश्यकता है ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये भी हमारी धरोहर है हमारी परंपरा है इसे भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और आप जैसे महान कलाकार जब आते हैं तो ऐसे कार्यक्रम को चार चांद लग जाते हैं बराबर ना तो हमेशा आते रहिए फिर हमारी सरकार भी बनते रहेगी ना क्योंकि लोगों के दिल की सरकार है लोग चाहते हैं ये बड़ी बात है इसका ही इस समाधान है हम लोगों को जा जहा हम लोग जाते हैं देखा कल मोदी जी का करिश्मा गुजरात में तो दिखा दिया मैं सुबह गुजरात गया था मुख्यमंत्री पद की उनकी शपथ थी मुझे बुलाया था गुजरात में तो एक मार दिया पूरा क्लीन स्वीप कर दिया और नागपुर में आए थे छोटे बच्चे से लेके एकदम सीनियर सिटीजन तक माता ने सब मोदी जी के एकदम इतना बड़ा आकर्षण है ये करिश्मा है और मैंने भाषण में भी कहा था कि एक मोदी जी ने हमारे देश का नाम अपने बलबूते पे अपने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाकर अपने देश को प्रगति पथ के ऊपर ले जाकर पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर दिया पूरी दुनिया में ये सीधा साधा काम नहीं है G20 का ये जी ट्वेंटी का अध्यक्ष पद प्रेसिडेंटशिप मिलना यह छोटी बात नहीं है और वो हमारे देश को मिला है राज्य में भी चार जगह का कार्यक्रम है चौदह जी समिट है यह हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है यह हमारे राज्य की देश की ब्रांडिंग शोकेसिंग हमारा इंफ्रा प्रोजेक्ट हमारा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल हमारा कल्चर हमारा टूरिज्म ये सब दुनिया भर के लोग देखेंगे और इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे इसलिए जी ट्वेंटी महत्वपूर्ण है और इसलिए आज आमदार हमारे प्रताप सरनाईक मेरे सहकारी है हम लोग कभी से 2000 कभी 97 से हम लोग साथ में हम लोग नगर से होते दोनों भी 97 में और मैं शिवसेना में था और ये राष्ट्रवादी में थे कांग्रेस में हाँ लेकिन ये रात को गपचुप आनंद दिखे साहब के पास आते थे सही है ना कब चुप ना था मतलब काम तो दिघे साहब अपने सबके बॉस थे गुरु और दिघे साहब भी हमारे से पहले इनका काम कर डालते थे जल्दी चलो जल्दी करो उनको मालूम थे बाद में हमारे पास आने वाले <laughs> इतनी दूरदृष्टि थी दिघे साहब की और तभी से हम लोग साथ में हैं कॉरपोरेशन में आज कितने साल से दिगेश साहब ने जो झंडा लगाया है उधर वो अभी एक तेज कॉरपोरेशन के ऊपर घरों से जो फड़क रहा है वहाँ पर लहर रहा है लोगों के काम हो रहे हैं मेरा भाईंदर भी वैसा ही शहर है मुंबई और थाने के बीच में ये भी बहुत बड़ा शहर है इसको भी इसकी भी डेवलपमेंट की आवश्यकता है और ये बहुत पैसे लाए वहां से इधर आंकड़ा बताएंगे तो भाभी देख रहे है मेरे पास तो अरे क्या भैया आप बंद करो क्या भाषण शायद पुलिस कमिश्नर ने कर दिया क्या तो ये खुद का काम नहीं करते लेकिन ये जैसे क्लस्टर है एस है पानी है ये इसके लिए कई बार उन्होंने कोशिश की जैसे मेट्रो मेट्रो के लिए भी बहुत लड़ाई कर दी मेट्रो तब मेट्रो अपनी सैंक्शन हुई मेरे ख्याल से पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे बोले मेट्रो लास्ट में जाएगी ये करेगी वो होगा अरे बोले ये तो काम सरकार का है ना लॉस और फायदा क्या करना है हमारे को तो पब्लिक के लिए चाहिए फिर सब लोग लड़ाई लड़ा, वहाँ पर संघर्ष हो गया और ये मेट्रो मीरा भाईंदर की प्रताप सरनाइक जी ने जोर शोर लगा दिया और हम लोग सब लोग साथ में थे सभी विधायक थे मैं भी विधायक था तभी और मेट्रो हो गई क्लस्टर का जो निर्माण है वो सेंक्शन हो गया पानी योजना जो है पानी योजना भी यहाँ पर अभी आपको शायद वसई विरार से मिलेगा ना पानी सूर्या प्रकल्प उसको भी हम लोग पैसे दिए हैं छ सौ करोड़ हाँ पाँच से सोलह करोड़ पाँच सौ सोलह करोड़ दिया है तभी लिया हमको मालूम ही नहीं गपचुप साइन करवाया क्या है और बाकी रोड के लिए भी लिए रोड के लिए भी इधर आंकड़े तो दिख रहे ग्यारह सौ करोड़ बोल रहे हैं देखो क्या है बीच में जब हम लोग को यहाँ से मुंबई से सूरत गए सूरत से गुवाहाटी गए ना तो तभी बीच बीच में साइन करवा लिया है शायद अभी क्या तभी ना बोल नहीं सकता ना मैं चलो अच्छा है आपका का ये आपके लिए किया है उन्होंने ये शहर के लिए किया है इधर आंकड़े मालूम पड़ने वाले गीता जैन मैडम भी बोलती है इद... दोनों को मिल अच्छा फिर अभी वापस नहीं मिलेगा ना दोनों को बता अभी मांगेंगे नहीं हाँ वही तो अच्छा है काम हो रहा है और बाकी तो मैं कारशेड का जो तिकडचं ना राई मुर्जा उत्तनला कारशेड न्यायचा आहे पण तिकडे काही लोकांचा विरोध आहे हा राई मुर्याला विरोध आहे तिकडे नाही ना विरोध तिकडे अजून पण उभा नाही ना राहणार नंतर नाही राही नाही तो राय मुर्दा में जो लोग हैं उनका भी दखल हम लोग ने लिया है लोगों के लिए हम लोग करने वाले हैं लोगों को खिलाफ में उनके विरोध में जाके हम लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये सरकार आपकी है आप लोगों की सरकार है इसलिए लोगों को जो चाहिए वही हम देंगे हमारा पर्सनल एजेंडा कोई कुछ भी नहीं है इसलिए सब लोग अभी क्या मोर्चा निकालते हैं सरकार पे कुमार विश्वास जी आरोप प्रत्यारोप करने की स्पर्धा लगी होड़ लगी है ये लोग ऐसे करते मुख्यमंत्री तो बोलते ही नहीं बोले मतलब मैं बोलता नहीं लेकिन काम करता हूं बराबर मैं बोलूंगा नहीं जितना आप बोलोगे उससे डबल में काम करूंगा इसलिए कोई आरोप करता है उसके ऊपर मैं ध्यान देता नहीं मैं मेरा काम करते रहता हूं इसीलिए जहाँ जाता हूँ वहाँ लोगों का आशीर्वाद पाता हूँ मैं लोग बहुत दिलो दिल से हृदय से सत का स्वागत करते हैं इतने कम समय में ये तो मेरा भाईंदा थाना मुंबई तो अपना गढ़ है लेकिन जहाँ राज्य में मैं जाता हूँ बड़ी बड़ी सभाएं होती है लेकिन रास्ते के दोनों बाजू जितने लोग हजारों की संख्या में खड़े रहते हैं और उनके चेहरे पे बहुत बड़ी एक समाधान एक आनंद एक खुशी रहती है और मुझे भी बहुत आनंद होता है नहीं तो किसको क्या है कौन मुख्यमंत्री कौन मंत्री आया क्या गया क्या लेकिन जो देखने में मिल रहा है वो बहुत ही समाधानकारक है इससे हम लोग बहुत काफ़ी समाधान भी लगता है और काम करने में और ऊर्जा भी मिलती है और इसलिए पैसे तो बहुत आपको दिए अभी पैसे का तो आप बात करो मत कभी नहीं तो सब लोग बोलेंगे मेरा भाई इंदर जैसा हमको करो तो हमारा खजाना खाली, खाली हो जाएगा उधर <laughs> क्लस्टर जो धोखादायक बिल्डिंग है उसमें लोग अपनी बहुत डर डर के रहते हैं बारिश में कई बिल्डिंगें गिरती है लोगों को तकलीफ होती है और इसलिए जैसे थाना के धरती पे क्लस्टर का निर्णय मतलब धोखादायक जो बिल्डिंग्स है उसका पुनर्विकास होना चाहिए रीडेवलपमेंट ये मेरा भहींर में भी होगा थाने के जैसा और ऐसा रे भी नहीं है क्या और जो स्लम एरिया है स्लम फ्री सिटी करना है तो एसआरए का भी निर्णय लेना पड़ेगा एसआरए का भी निर्णय मेरा भाईंदर में लागू हो जाएगा उसके पर आपको हो गया ना और कुछ नहीं बाद में के लिए रखो कुछ एक ये वो कार्यकर्ता है आंदोलन करने वाला लोगों के लिए हमारे सब विधायक नगर सेवक एम पी जो है सब लड़ाई करते हैं लोगों के लिए लोगों को सुविधा दिलाने के लिए लोगों की कठिनाइयां कठिनाइयाँ दूर करने के लिए इसलिए सरकार भी जो अच्छा काम करने वाले कार्यकर्ता है विधायक है उनके साथ पूरी ताकत से सरकार खड़ी रहेगी क्योंकि मैं आज मुख्यमंत्री हूं लेकिन आज भी मैं एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा हूँ जाने का है अपने को उधर भी जाने का है उधर भी अयोध्या में हाँ तो जाना है एक बार जा रहे थे लेकिन विमान में से उतरना पड़ा रहे ना अभी जा, अभी जाएंगे आराम से वो तो हमारी अस्मिता है श्रद्धा है अयोध्या प्रभु रामचंद्र जी का और और देखो आपने नाम लिया है राम मंदिर का काम शुरू हो गया है हमारे बाला साहेब ठाकरे जी क्या कह रहे थे मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनाओ एक दिन का मैं कश्मीर का धारा 370 रद्द करता हूँ ऐसा बाबा साहेब कहते थे और राम मंदिर बनाऊंगा राम मंदिर भी बनना चाहिए ऐसा भी उनका सपना था और पाकिस्तान तो किसको डरता ही नहीं था उस टाइम एक ही नाम से डरता था वो नाम बाला साहेब ठाकरे था अभी तो मोदी जी है मोदी जी तो कभी क्या सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे क्या करेंगे मालूम नहीं तो मोदी जी राम मंदिर भी बना रहे मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह साहब ने धारा 370 भी हटा दिया कैसे हट गया कभी पता ही नहीं चला लेकिन हटा दिया तो अभी आप बताओ जो हमारे बाला साहब जी का सपना था ये मोदी जी ने पूरा किया तो हम लोग तो उनके साथ ही अलायंस किया है ना गठबंधन दूसरा कुछ नहीं किया हम लोग चुनाव तो साथ में ही लड़े थे हम लोग आप लोगों के पास ये लोग आए थे ना साहब का फोटो और मोदी जी का फोटो दो लो फोटो तो है बराबर? सरकार भी उसके साथ बनना मंगता था लेकिन हम लोग ने गलती उन्होंने की थी हमने सुधार दिए है बराबर कि नहीं अभी बाकी क्या है अभी सरकार बनने के वजह से आरोप प्रत्यारोप तो होते रहता है अभी कई लोगों को काम नहीं है कुछ लोग तो हम लोग जैसे ही सरकार बनाया हम लोग जैसे काम कर रहे वैसे कई लोग घूमने भी लग गए रास्ते पे भी आने लगे मोर्चा भी निकालने के लिए तैयारी करने लगे ये भी अच्छी बात है समझ गए नहीं तो आप लोग अच्छा है ठीक है तो अभी और ज़्यादा मैं कहूँगा नहीं तय हो गया है और प्रताप सरनाइक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा यहाँ पर एक विकास हम लोग देख देख रहे हैं। जैसे मुंबई थाना मुंबई में भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं मेरा भाईदर में भी अपने को करना ही है जैसे मुंबई में काला घोड़ा फेस्टिवल वैसा उन्होंने ओपन आर्ट फेस्टिवल किया अभी वहाँ यहाँ तक लेके आए वो फेस्टिवल को ये फेस्ट इनका बहुत नियोजन बहुत परफेक्ट रहता है बहुत अच्छे अच्छे लोग को पकड़ के लाते हो इधर और जहां कहीं देखने को नहीं मिलता है वो उनके कार्यक्रम में देखने को मिलता है जैसे कुमार विश्वास जी को बुलाया उन्होंने मजा आया कि नहीं उनको सुनने को हाँ कौन सा हाँ दईसर भाईंदर रोड जो है वो भी हम लोग करने वाले हैं मतलब उनका कहना है कि टोल नाका बाईपास हो जाएगा दईसर भाईंदर रोड बन जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं अभी क्या है देवेंद्र जी जो है उनको भी मीरा भाईंदर पे प्यार है और अभी वो अर्थ अर्थ मंत्री है उप मुख्यमंत्री है और मेरी भी थोड़ी सी चलती है तो हो जाएगा वो भी काम कर जाएगा कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं फिर एक बार मैं कुमार विश्वाजी आपको धन्यवाद देता हूँ और हमारे सहयोगी प्रताप सरनाइक और उनकी टीम जो है उसको भी धन्यवाद देता हूँ अभिनंदन करता हूँ सभी लोगों का इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ आए हैं आपका भी धन्यवाद आपका भी अभिनंदन सभी लोगों को इस फेस्टिवल में आने की वजह से शुभकामनाएं देता हूँ जो जो कलाकार यहाँ आए हैं उनका भी स्वागत उनका भी अभिनंदन धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र